हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक इजी और झटपट केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बहुत ही कम सामग्री से तैयार हो जाती है। ये केक मैं हर्शीज के कैरेमल सिरप से बनाऊंगी। मैंने हाफ कप हर्शीज का कैरेमल सिरप लिया है। जिस कप से मैदा लेंगे उसी कप से सारा नाप होगा। मैं इसी कप से एक कप मैदा ली हूँ और हाफ कप हर्शीज का कैरेमल सिरप। अब मैं इसमें हाफ कप दही ऐड कर दूंगी। दही ऐड करने के बाद 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल ऐड करूंगी और 1/2 टीस्पून वेनिला एसेंस। अब सभी सामग्री को अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। अब मैं एक ड्राई मिक्सचर तैयार करूंगी, जिसके लिए मैंने 1 कप मैदा बाउल में ले लिया है और उसमें 2.5 टेबलस्पून मिल्क पाउडर ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करूंगी और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा ऐड करके सारे ड्राई मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब मैं सारे ड्राई मिक्सचर को वेट बैटर में ऐड करती जाऊंगी। धीरे धीरे मिक्स करना है और मैंने चीनी यहाँ पर ऐड नहीं किया है क्योंकि मैं टी टाइम स्नैक्स बना रही हूँ। हल्का मीठा होता है ये केक। अगर आपको ज्यादा मीठा चाहिए तो 2 से 3 टेबल स्पून चीनी ऐड कर दें। बैटर मैंने तैयार कर लिया है। अब मैं इसको केक मोल्ड में ट्रांसफर करूंगी और बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। ये देखिए, बैटर को मैंने ब्रेड मोल्ड में एडजस्ट कर दिया है। अब मैं उसके ऊपर टूटी फूटी ऐड कर दूंगी। आप चाहे तो बादाम, पिस्ता, काजू, किशमिश, कुछ भी अपने पसंद का ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसको प्रीहीटेड ओवन में 180 डिग्री पर कन्वेक्शन मोड में 30 से 35 मिनट तक बेक करूंगी। आप इसको गैस पे भी बेक कर सकते हैं। मैंने प्रीवियस केक की रेसिपीज में दिखाई हुई है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। केक तैयार हो गया है। इसको मैंने थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया था। अब मैं इसको डीमोल्ड करूंगी। अब मैं केक को डीमोल्ड कर रही हूँ। ये देखिए, आराम से धीरे से इसको डीमोल्ड करना है। और फ्रेंड्स, एक बार आप सब इसको ट्राई करके देखना जरूर। देखिए कितना अच्छा केक तैयार हुआ है। बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी केक तैयार हुआ है। अब मैं इसका पीसेज कट कर लूंगी। अगर आप सबको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बेल बटन दबाना न भूलें।